भंडारा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर मुजबी परिसर से बाईपास मार्ग का निर्माण पिछले 1.5 वर्ष से शुरू है, जिसके कारण मुजबी से कादा तक वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने 29 नवंबर को भारी वाहनों के मार्ग में बदलाव को लेकर आदेश दिए है। जारी आदेशानुसार अब नागपुर से देवरी की ओर जाने वाली भारी वाहनों को शाहपुर से सातोना मार्ग होकर तुमसर और गोंदिया मार्ग से जाना होगा। वहीं साकुली से नागपुर जाने वाले भारी वाहनों को लाखनी केसलवाड़ा फाटा परिसर से अडाल मार्ग से पौनी से भिवापुर और नागपुर ऐसे यातायात करनी होगी। यह आदेश 30 नवंबर से लागू किए गए हैं। बता दे कि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर मुजबी परिसर में बाईपास मार्ग का निर्माण शुरू है, जिसके कारण बार बार यहाँ पर यातायात प्रभावित होकर जाम लगने से भारी वाहनों की लंबी कतारें लगती है, जिसके कारण वर्ष 2023-24 में करीब 52 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो 29 लोग जख्मी हुए। पिछले वर्ष 14 दिसंबर को पुलिस विभाग ने विभिन्न चालक मालक संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में भारी वाहनों की यातायात कुछ दिनों के लिए शाहपुर से सातोना मार्ग होकर तुमसर और गोंदिया मार्ग की ओर, तो साकोली से नागपुर जाने वाले वाहनों को लाखनी केसलवाड़ा फाटा परिसर से अडाल मार्ग से पौनी से भिवापुर और नागपुर की ओर जाने के लिए डायवर्शन के निर्देश दिए थे। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।